नमस्कार। स्वच्छकार समाज की आवाज में मैं डॉक्टर कौशल पवार आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। जैसे कि आप सब जानते हैं, चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ है नीतन, जो महाराष्ट्र से हैं। उनसे परिचय हम खुद उनका पूरा जानेंगे। मैं आपको बता देना चाहती हूँ कि स्वच्छकार समाज की आवाज ऐसे युवाओं की आवाज बनकर उभर रहा है, जो हर एक स्टेट की जो भी दिक्कते हैं, खासकर स्वच्छकार समाज की दिक्कते और या स्वच्छता समाज के लिए काम करने वाले लोग उसको कैसे देखते हैं, चाहे वो सामाजिक रूप से हो, शैक्षणिक रूप से हो, आर्थिक रूप से हो, राजनीतिक रूप से हो, तमाम पहलुओं पर हम लगातार चर्चा करते आ रहे हैं। चर्चा की इस कड़ी में आज हमारे साथ एक युवा आवाज है स्वच्छकार की, जो महाराष्ट्र से है। मैं सीधे आपको ले चलती हूँ मुंबई। हम पहले बॉम्बे कहा करते थे, आजकल मुंबई, क्यों नीतिन? अपना परिचय दीजिए अपना सारा, ताकि हमारे दर्शकों को आपकी जानकारी पूरी मिले। हाँ, हेलो, मेरा नाम नितिन वाल्मीकि है। मैं PhD करते करते रुक गया हूँ, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी बीच में। मैं आसाम में फील्ड वर्क कर रहा था, काजीरंगा नेशनल पार्क करके, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजिस्ट। तो वहां पे पता नहीं क्या होगा, किसी कीड़े ने पता नहीं क्या काट लिया, वहां से डायरेक्ट फ्लाइट लेके मैं जसलोक पहुंचा और ICU में था। मेरे को एक प्रॉब्लम है कि मुझे याद नहीं रहता। मैं अभी आपसे बात कर रहा हूँ जैसे, तो मुझे आपसे बात करने के बाद एक डायरी है, उसमें नोट डाउन करना पड़ेगा कि मैंने आपसे बात की है, ये बात की है। तो इसमें मेरी हेल्प मेरी चाचा, मतलब मेरे फादर और बेबे करती है। ये तो बहुत चिंतनीय है। हमारे युवा जो ऐसे फील्ड में, साइंस में तो है ही नहीं, बहुत सारे लोग हैं जो ज्यादातर जो हायर स्टडी में होंगे वो ह्यूमैनिटीज में हैं, और नहीं तो इतना क्रीम हमारी सोसाइटी की। ये मेरे पापा हैं। अच्छा जी, नमस्कार अंकल जी। ये पापा है मेरे जी। कौशल, नमस्कार, मैं डॉक्टर कौशल पवार दिल्ली से। अच्छा, इसने डायरेक्ट आपको फोन लगा दिया है। जी, आप कैसे हैं? बस ठीक है। अभी तो मेरे पास आइए घर पे। जरूर आऊंगी, आप बुलाएंगे तो मैं क्यों नहीं आऊंगी। अरे बुलाया क्या, बुलाने की जरूरत नहीं आपको। जी जी, नितिन को तो मैं, मुझे ऑलवेज इनविटेशन ऑल टाइम। और जी, इनकी यहाँ पे बहुत चलती है, मतलब इन्होंने काफी काम किया ना मेरा घर, और काफी नीचे से ऊपर रहा हूँ, ऐसा नहीं रहा हूँ किसी ने ऐसे बोल दिया जैसे आपकी स्टोरी मैंने सुनी। जी जी जी, वहाँ से मैंने तो लोगों को फोड़ा है जी, और ये बहुत नीचे से जैसे उठते हैं वैसे टॉयलेट साफ करके मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैं आज मैं नीतन से बात करती हूँ, उसके बाद एक दिन आपसे, दूसरे दिन आपसे बात। ठीक है दी। आज नीतन उसको जानते हैं आप, ओम अमदत को अमदत, ओमदत झिंझावट जी मेरठ का, वो मेरा चचेरा भाई है। अच्छा जी 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 जी, लगा चचेरा भाई बता रहा था आपका जिक्र किया, बोला वो नितिन का है वहाँ पे संबंध, मतलब मैं तो कोई बात नहीं किया जी, तो बता रहा था। थैंक यू मेरठ वाले, मेरठ वाले जी जी, मुझे बहुत अच्छा लगा नितिन ने बताया कि आप जेपी। हाँ मैं जानती हूँ जेपी सिंह। हाँ जेपी हमारे बहन के, वो है बहनों ही जी जी। हाँ नितिन, मैं ये जानना चाह रही हूँ कि आपने फिर ये साइंस सब्जेक्ट ही क्यों चुना? साइंस, जूलॉजी कैसे लिया आपने? हाँ, जूलॉजी दीदी एक्चुअली मेरा पहले से ही सब्जेक्ट था। ओके। तो मैं पहले से इंटरेस्टेड था जूलॉजी में, और मैंने ट्राई किया स्टार्टिंग में, बट इतना फैमिली स्टेबल नहीं था मेरा, तो फाइनेंशियल इनकम थोड़ी सी प्रॉब्लमेटिक थी क्योंकि पापा की जॉब छूट गई थी। तो ऐसी आसपास से छोटा मोटा काम करके, जैसे कैटरर्स में होते हैं वैसे होते हैं, थोड़े बहुत पैसे जमा करके, फिर बाद में ज्वाइंट फैमिली है तो पूरा बैकग्राउंड मिला ज्वाइंट फैमिली से, और उसके बाद पैसे जमा करके मैंने फिर मेरा कैरियर चुना। ओके, नितिन फादर क्या करते हैं, कैसे? दीप, पापा जी तो रिटायर्ड हैं। अच्छा रिटायर्ड हैं, किस पोस्ट से? हाँ नितिन, आप मुझे सुन पा रहे हैं? किस पोस्ट? हाँ दीदी। किस पोस्ट से रिटायर हैं? हाँ दीदी जी। नितिन, मैं आपसे ये जानना चाह रही हूँ कि आपने मतलब पढ़ाई के दौरान क्या क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ा एज बीइंग वाल्मीकि कम्युनिटी।
दी मेरे को, मैं मुंबई से हूँ, मुझे ये सब चीज इतनी मालूम नहीं थी कि अपनी कम्युनिटी इतनी फेमस है। मैं जहाँ पे बाहर जाता था, हाँ मुझे मालूम नहीं था कि कम्युनिटी में ऐसे लोग बिहेव करते हैं दूसरों से, बट मुझे अंदाजा भी नहीं था कि अपनी कम्युनिटी का इतना ज्यादा बहिष्कार होता है। मैं जहाँ बाहर गया तो वहाँ पे काफी ब्राह्मण्स लोग हैं, ये लोग हैं। अब मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड वे में लिखता हूँ वाल्मीकि, तो पहले पूछते थे वो लोग आप ब्राह्मण हो, मैंने बोला नहीं मैं शेड्यूल कास्ट से बिलोंग करता हूँ, तो उनका जो रवैया था देखने का काफी अलग था, काफी अलग। ये कर्नाटका में एक सीन हुआ था इसी बारे में कि ये एक मंदिर था, मंदिर में पूछा मुझे कि आप वाल्मीकि वो सब, तो वहां पे कुछ छिड़काव टाइप होता है ना वो पानी से कुछ करने के लिए, हाँ कुछ तो आइटम होता है, मतलब मुंबई में बोलते ना कुछ तो आइटम वो पानी से कुछ करते हैं, पानी की छिड़कना, हाँ हाँ वो, तो वो मुझे कुछ अंदाजा नहीं था क्या किया इन्होंने। पापा जी ने सिर्फ मुझे इतना बताया कि हम शूद्र हैं तो शायद उसने इसलिए किया होगा, और मुझे लग रहा था इसलिए किया कि वो मुझे बहुत अच्छा मान रहे हैं इसलिए मुझे वो स्वागत कर रहे हैं इसलिए किया। असल में क्या होता है ना कि हम लोग अगर मतलब बच्चा पैदा होता है सोसाइटी में तो उसको तो नहीं पता होता ना कि उसकी कास्ट क्या है, लेकिन सोसाइटी ही उसको एहसास करवा देती है कि आप किस कम्युनिटी से हो, ना केवल शेड्यूल कास्ट, बल्कि शेड्यूल कास्ट में भी अगर आप बिल्कुल मतलब शेड्यूल कास्ट में भी बिल्कुल सबसे नीचे के पैदान में हो, जो एक हायरार्की सिस्टम बना हुआ है, तो सोसाइटी आपको बताती है कि यू बिलोंग टू दैट कैटेगरी, अदरवाइज तो हम किसी से कम थोड़ी ना है। अगर अपॉर्चुनिटी मिले तो हायर एजुकेशन में, जैसे आपने डॉक्टरेट करना शुरू कर दिया था अपना जूलॉजी में, वो अलग बात है कि एक्सीडेंट की वजह से आपका डॉक्टरेट नहीं कंप्लीट हो पाया, बट आप वहां तक तो पहुंचे हैं ना जहां डॉक्टरेट मिलता है, वहां तक एक्चुअली दी पापा ने काफी मदद की इसलिए पहुंच पाया, और हमारे दादा परदादा तो बाहर से आए थे, वहां से मेरठ साइड से, हरियाणा से, रोहतक से, तो यहाँ पे काफी उनको प्रॉब्लम हुई, लेटरिंग साफ करते हैं, ये साफ करते हैं, मुझे इसका अंदाजा नहीं था ये सब चीजों का, झाड़ू मारना ये सब करना, तो उन्होंने बताया मुझे कि अपना जो कास्ट है वो कितने नीचे लेवल पे, गटर में उतर के काम करना, स्कैवेंजिंग जॉब करना, ये सब मेरे लिए बहुत, मतलब मैं इसमें बिलीव नहीं करता था, पर जब मैंने देखा सामने से तो बाप रे आंखों से पानी आ गए, और पापा बोलते थे ये सब हम लोग करते थे, तो मुझे एक सेकंड के ऐसा बिलीव होता था भाई ये बंदा अच्छी खासी पोस्ट पे है, अच्छी खासी संस्कृत ये सारी चीजें बोलता है, तो ये कर भी कैसे पाता था, और यहाँ पे महाराष्ट्र में उनका काफी होल्ड है मुंबई में, और खास करके लालबाग में, लालबाग में उनको ऐसे दबंग आदमी बोलते हैं, बिंदास वैसे टाइप के, वो लोग थोड़े बहुत ये भी हैं कि हाँ भाई आदमी थोड़ा दबंग है, आराम से एकदम घर पे आराम, मतलब फाइन एकदम। ओके नितिन, क्या आपकी हायर एजुकेशन हॉस्टल में रहके हुई? दी मेरी हायर एजुकेशन पोस्ट ग्रेजुएट है जूलॉजी में, और मैं पीएचडी कर रहा था, तो पीएचडी करते करते दी मैं क्या बोलूं, मेरी शादी हो गई थी, वो अपर कास्ट ब्राह्मण से थी, और उसे ये लगा था वाल्मीकि मतलब ब्राह्मण होते हैं, हम हरियाणा के लोग हैं रोहतक के, तो उसे ये मालूम नहीं था, उसके घर वालों को मालूम नहीं था, और जैसे उसके घर वालों को मालूम पड़ेगा, मतलब मालूम पड़ा जैसे कि मैं वाल्मीकि कम्युनिटी से हूँ, स्कैवेंजिंग कम्युनिटी से, तो वो लोग को थोड़ा अलग फील हुआ, लड़की को पहले फील नहीं हुआ, लड़की ने पूछा भी नहीं था, हम लोग काफी टाइम से रिलेशन में थे और मेरे घर पे आती जाती थी सब कुछ, बट अचानक उसने स्टॉप कर दिया कि भाई ये आप ये कम्युनिटी से हो, उसने बोला चूड़ा चूड़ा, मतलब मुझे ये इतना नहीं समझता था सब, बट उसने बोला कि ये भंगी टाइप, तो अभी बोलते ही भी अजीब लग रहा है अभी। आई कैन अंडरस्टैंड, हम लोग क्योंकि हायर स्टडी और आप बाहर रहे हैं तो उन चीजों से वास्ता आपकी पीढ़ी को नहीं पढ़ा, लेकिन आपसे पहले की जो पीढ़ी है लाइक फादर ग्रैंडफादर, वो तो आए ही इसी से हैं, तो क्योंकि हाँ, वो आई वहां से काफी एक्सपेरिमेंट करके आए, डेफिनेटली आई कैन अंडरस्टैंड दैट पॉइंट कि जो पहली पीढ़ी है उसको सब कुछ झेलना होता है,
जो सेकंड जनरेशन है हमारी, उसके पास तो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड की है माँ बाप ने, चाहे कुछ भी काम करना पड़ा। पापा ने तो काफी चीजें प्रोवाइड की है, पापा ने स्टार्टिंग से हमें काफी मतलब वो एहसास भी नहीं होने दिया कि आप ऐसे हो, और मतलब ये जॉब ये सब जो इच्छा है हमारी वाइल्ड लाइफ में मेरी, फिर मेरा भाई ये जर्नलिस्ट था क्राइम ब्रांच वेल नोन अरविंद वाल्मीकि जो अभी रिसेंटली एक्सपायर हो गया। बहुत दुख हुआ ये जान के, आपकी भी तबीयत ज्यादा अच्छी नहीं है और भाई की भी डेथ होगी, तो मैं दुख प्रकट करती हूँ तमाम दर्शकों की तरफ से भी। जिंदगी है, प्रकृति का नियम भी है, हम नियमों में बंधे होते हैं, हमें किसी न किसी दिन छोड़ के जाना होता है। बस मैं इतना ही कहूँगी, आप ध्यान रखिए, हम फिर किसी दिन आराम से बात करेंगे। नहीं भी, कोई कोई गल नहीं भी। अच्छा, फादर को आपने क्या मतलब, आपको कहाँ से लगा कि आपको और ज्यादा पढ़ने की जरूरत है? फादर चाहते थे कि आप हाईएस्ट। फादर ने तो मेरे बहुत साथ दिया, फादर ने स्ट्रेट फॉरवर्ड वे से कहा था कि जिस सब्जेक्ट में तेरा इंटरेस्ट है उसमें तू कर, जो भी कुछ हो सकता है उसमें कर, मैं तेरी पूरी मदद करूंगा। अच्छा नितिन, मैं बीच में आपको रोक रही हूँ, बीच में रोक रही हूँ, फादर कितने पढ़े हुए हैं? फादर कुछ संस्कृत में उन्होंने किया है, संस्कृत में मतलब टिपिकल मेरा सब्जेक्ट संस्कृत है। नहीं कुछ पता नहीं मेरे पापा जी, आपने क्या किया था संस्कृत में? भी आ रहे हैं पापा, उन्होंने कुछ थोड़ी दो तीन लैंग्वेज अलग अलग उसमें, आप दीदी पूछ रही है आपने क्या क्या किया था लैंग्वेज के बारे में? लैंग्वेज में कुछ चुपता गया मैडम, आई कैन स्पीक 17 लैंग्वेज। 17 मुझे ऐसा लग रहा है सर, मुझे ऐसा लग रहा है कि नीतन को रहने देते हैं, आपसे बात कर लेते हैं। अच्छा अच्छा ठीक है नीतन को छोड़ता हूँ बाजू। सुन लीजिए, यहाँ की जो मराठी है जी, मराठी उनसे मेरी बहुत अच्छी अच्छी मतलब मैं असल में ये जानना चाह रही थी कि फादर की हाईएस्ट स्टडी कितनी है? मेरी स्टडी तो मैंने बीए तक किया, जूनियर बीए तक, क्योंकि सीनियर बीए में पैसा नहीं था भरने के लिए, फॉर्म के लिए रह गई जी, सबके साथ में प्रॉब्लम ड्रॉप आउट कर दिया फिर। हाँ क्या किया, लेकिन मैंने फिर भी हटा नहीं मैं पीछे, मोबाइल डिक्शनरी बोलते मेरे को इंग्लिश की, इंग्लिश हिंदी मराठी। कैसे, रीजन क्या है इसके पीछे? मैं देखो थ्री इडियट है ना, पैसा नहीं था मैडम, सुनिए सुबह चला जाने का मैं कॉलेज, और सुबह का भी कॉलेज अटेंड करने का, और दोपहर का भी, दोपहर को 2 बजे घर पे आने का, पानी पी के रह जाने का, और सब लैंग्वेज में बैठने का, गुजराती में बैठने का। मराठी की एक बहुत बड़ी कवित्री है शांताबाई शेळके, मैं जानती हूँ, सुना है मैंने, तो हम बैठ के बात करते थे, वो खुद हैरान थी। और एक है वामन मेश्राम कवि, जो पहला आदमी शेड्यूल कास्ट महाराष्ट्र का जो था 2005 में जो सम्मेलन था उसको मतलब अध्यक्ष पद दिया गया, वो भी मेरा खास। मैं एक बार उसके लेक्चर में बैठ गया था, तो मैं जा रहा था उठ के, मुझे बाद में मालूम पड़ रहा हिंदी है मेरा, बाहर आके मेरे को पकड़ लिया, कुड़े डाल बोला साहब मेरा हिंदी है, तेरा हिंदी, तेरे को देखता हूँ मेरे क्लास में बैठता हूँ, मतलब बैठता हूँ टाइम पास के लिए, तू चल तेरे को प्रिंसिपल के पास ले गया। किसके पास जाएगा, मतलब 111 में उपाध्याय जी ने खोला दरवाजा, उपाध्याय मतलब सेम गुलशन नंदा, उसको गुलशन नंदा ही बोलते थे वहां पे, तो लेके गया, तो बोला सर ये आपका बच्चा है? तो उसने बोला ये, तो बोला आज तक मेरी लाइफ में मैंने 50 में से 40 के ऊपर किसी को नहीं दिया, इसने 42 लिया, मुझे याद रहेगा। जी जी, आपको पता है हम नीतन का इंटरव्यू ले रहे हैं? हाँ नीतन का इंटरव्यू ले रहे हैं, ले लो ले लो ले लो। हाँ दीदी हाँ हाँ नितिन, मैं लास्ट सवाल ये जानना चाह रही हूँ कि हमारे आसपास के जो वाल्मीकि कम्युनिटी के लोग हैं, खासकर मैंने और स्पेक्टर फैमिली, उनकी कंडीशन कैसी है? दी एक्चुअली जो आसपास के कम्युनिटी के लोग हैं ये गुजराती हैं, ओके, अपनी कम्युनिटी के हैं, गुजराती हैं जी, और स्कैवेंजिंग जॉब तो वो अब भी करते हैं, बट उनको काफी दूर रखा जाता है, स्टिल उनके घर पे कोई जाता नहीं है, कुछ नहीं, मतलब आज भी वो टॉयलेट साफ करना और दूसरों के घर का खाना खाना, मतलब दूसरों की झूठन होती है ना, झूठन टाइप जो कुछ बचा होता है घर पे वो लोग खाते हैं, बट पापा ये बोलते हैं कि इनकी जो छोटी बच्चियां हैं ये हैं नितिन, तू इनमें इनको फ्री में पढ़ाया कर, तो उनके जो छोटे बच्चे हैं, काफी छोटे छोटे बच्चे हैं, कुछ 10 साल के हैं, 15 साल के हैं, जिनकी 10th भी नहीं है,
तो उनको पापा फ्री में पढ़ाते हैं यहाँ पे, और एज ए साइंस में, साइंस और मैथ्स में फ्री में पढ़ाता हूँ उनको। बहुत बढ़िया, ये अच्छा कंट्रीब्यूशन। दस या कुछ 12 बच्चे हैं वो, और उनके स्कूल में जाके स्पीच भी दे चुका हूँ मैं। बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, ये कंट्रीब्यूशन है, एक बड़ा काम आप कर रहे हैं। अरे नहीं दी, मैं तो बाप रे अपनी कास्ट को दी, इतना मालूम नहीं था मुझे मुंबई में रहने के कारण, बट जब पापा जी ने बताया कि बाप रे अपनी कास्ट इतनी नीचे है कि सोच भी नहीं सकता है तू, तेरे पास कोई बैठना भी पसंद नहीं करेगा, वो कुछ पानी छिड़काव करते हैं सर पे, कुछ पानी छिड़काव शुद्धिकरण जैसा कुछ करते हैं, ये मुझे पता नहीं थी, इतना सब नहीं मालूम है, बट ये उन्होंने बताया कि काफी कुछ हमें जहाँ पे बैठते हैं वहां पे कुछ पानी छिड़काव करना, और ये इवन ओबीसी भी करते थे अपने ऊपर, अदर बैकवर्ड क्लास, ब्राह्मण तो करते थे बट हमारे सामने रहते हैं कुंभार करके सरनेम है कुंभार, तो वो भी हमसे वो करते थे, थोड़ा दूरियां बनाए करके रखते थे, और फिर फादर ने इतनी अपलिफ्टमेंट की, काफी अपलिफ्टमेंट की, तो उन्होंने लैंग्वेज सीखी काफी ज्यादा, रात को किताबें पढ़ना, तो कंटिन्यू काफी काफी ऊपर आते गए। तो अच्छा नितिन, एक बात बताइए, आप युवा है, वाल्मीकि समाज कैसे आगे बढ़ेगा, क्या सोचते हैं आप, वाल्मीकि समाज को क्या करना चाहिए, खासकर आप जैसे युवाओं को, मेरा सवाल सीधा युवाओं से है। हाँ दी, सिंपल चीज ये की पीढ़ी, हमारी पीढ़ी तो जा चुकी, अब जो नेक्स्ट जनरेशन है वो वाल्मीकि समाज को कैसे देखती है, क्या क्या आप इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? दी एक ही है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है उनके फादर और मदर उनको योगदान दे उसमें, वो कुछ भी बनना चाहता हो ट्राई करें कि वो वही बने, अगर नहीं बने तो हो सकता है कि हमारे थ्रू कुछ हम लोग हेल्प करें उनकी, थोड़ा बहुत कुछ भी हो हम उनको एक राह तो दिखा सकें कि कैसे कर सकते हो क्या है, क्योंकि मेरे पापा के पास तो बैकग्राउंड भी नहीं था, पापा ने फिर मुझे बताया, बट मैं इतना चाहता हूँ कि जो आने वाले लोग हैं, जो हमारे छोटे हैं या पैदा जो होने वाले हैं झोपड़पट्टी स्लम एरिया में, तो वहां पे सिर्फ इतना है कि उनको अवेयरनेस कर सकें कि आप क्या कर सकते हो क्या नहीं है आप में। हाँ नितिन, युवाओं को क्या संदेश आप देंगे स्वच्छकार समाज की आवाज के माध्यम से? युवाओं को दी एक ही संदेश है, एक ही संदेश है, पॉलिटिकल व्यू में आप अगर जाते भी हो तो इतना याद रखो कि लोग आपको यूज कर रहे हैं, काफी चीज है जो अलग अलग पॉलिटिकल होती हैं अलग अलग, और ये एक ब्राह्मणवादी हो गया मेरे हिसाब से कि अलग अलग यूज कर रहे हैं, मैं बोला एक ही दिशा में, ऐसी दिशा में जाओ जहाँ पे अपनी कास्ट का अपलिफ्टमेंट हो सके, सिंपल वे से, और कुछ नहीं चाहिए, जहाँ पे कोई अपना ही बंदा है जिसको अपनी समझ है खुद की कि हम लोग कैसे नीचे से ऊपर उठें, बस वो उनके साथ ही रहे, वो मतलब ऐसा नहीं कि भाई कहीं पे चला गया कहीं पे वोट दे दिया, बस अपने लोगों के साथ अपने बंदों के साथ जुड़ा रहे। क्या आपको नहीं लगता कि स्वच्छकार समाज के लोगों को ये जो गंदा काम है इसको छोड़ देना चाहिए? ऑब्वियसली मेरे पापा जी भी बोलते हैं, उनके जो मेरी बिब्बे हैं उनके फादर जिनको मैं चाचा बोलता हूँ वो भी बोल देते हैं कि अगर हम ये काम छोड़ दें तो ये काम करेगा कौन, एट लास्ट दूसरी कास्ट करेगी, उनको करना ही पड़ेगा, और मेरे पापा जी तो कहते ही हैं कि कोई चॉइस ही मत रखो, ये काम छोड़ ही दो। तो क्या विकल्प है फिर इसको छोड़कर? विकल्प ये दी कि अगर कोई शिक्षण उन्हें देना चाहता है, जैसे कोई भी अनमूल्य शिक्षण है, टीचिंग है, ये सब करे वो, और एक प्रॉब्लम है दी कि हमारे इसमें जो जॉब करते हैं स्कैवेंजिंग जॉब में, उसमें मेरे ख्याल से दिल्ली या मुंबई साइड में इनकम सोर्स कुछ है ज्यादा है, तो काफी लोग उसमें खुद ना खुद जाते हैं कि नहीं यार चलो गवर्नमेंट जॉब है इजी मिल जाएगा हमें, कोई दूसरा पंडित तो करेगा नहीं, तो इसलिए वो स्कैवेंजिंग जॉब में खुद को फील कर लेते हैं। क्या जो सफाई कर्मचारी हैं या वाल्मीकि समाज है
उनको इंडस्ट्री की तरफ नहीं बढ़ना चाहिए, रिजर्वेशन तो खत्म होता जा रहा है, कब तक आप ऑब्वियसली उनको पूरी तरह से बढ़ना चाहिए, कैसे जाएगा? क्या आप युवा हैं, आप क्या सोचते हैं कि कैसे भूमिका बनी? सोच है एक ही सोच है, जिनके माँ बाप हैं, जिनके पास पैसा नहीं है, कुछ नहीं है, वो कुछ ना कुछ करके या किसी ना किसी की मदद लेके, जैसे कि हम लोग हैं, किसी ना किसी थ्रू अपने कास्ट का हो तो बहुत अच्छा होगा, और वो समझने वाला होगा कि हाँ इसको इसकी अहमियत है, हम लोग इसके लिए इतना कुछ कर सकते हैं, योगदान दे सकते। आपने डिक्की का नाम सुना है? दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, डिक्की, डिक्की करती है, दलित चैम्बर ऑफ कॉमर्स, कोई बात नहीं, जो इंडस्ट्री, जो एक तरह से दलितों के लिए मतलब एंटरप्रेन्योरशिप और इंडस्ट्री या अपना काम खोलने में एक वो कर रहा है, कंट्रीब्यूशन एक बड़ा कर रहा है आपके, क्योंकि महाराष्ट्र में, इसलिए मैंने जिक्र कर दिया। नितिन, मैं आपसे एक लास्ट सवाल और पूछना चाहती हूँ, वो ये कि महाराष्ट्र में वाल्मीकि समाज के लोगों का सर्टिफिकेट नहीं बनता, वाल्मीकि समाज का सर्टिफिकेट, एससी का सर्टिफिकेट, मुझे ज्यादातर लोगों से जानकारी मिली, ऐसा कुछ है क्या? दी ये लोग जल्दी नहीं, एक्चुअली ये जल्दी सर्टिफिकेट नहीं मिलता है। क्यों? काफी इसके लिए काफी बोलते ना, मुंबई की लैंग्वेज में यूज नहीं करना चाहता हूँ, हम लोग बोलते ना मगजमारी करनी पड़ती है इसके लिए, सर फोड़ना पड़ता है लिटरली। मेरे पास तो सर्टिफिकेट है नहीं शेड्यूल कास्ट का, बट फिर भी मैं ट्राई करा मैंने कि एज अ जूलॉजिस्ट बनने का और सीखने का लोगों को। यू हैव ट्राइड टू जनरल कैटेगरी? हां, गेट द एडमिशन, आपने जनरल कैटेगरी से किया फिर? हां दी, ओके, दैट्स द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि आपने जनरल, मुझे चांस ही नहीं मिला, और पापा जी ने यही कहा तू बस तेरे हिसाब से बढ़, हम बड़े हैं बहुत नीचे से। फिर मैंने सर्टिफिकेट का लिए काफी ट्राई किया कि बाहर जा सकूं, कुछ कर सकूं, कोई ऊपर के लेवल पे जा सकूं, बट सर्टिफिकेट नहीं बना दी। नहीं, लेकिन देखिए, वो तो मैं आपकी इस चीज की तो प्रशंसा कर रही हूं कि आपने जनरल में फाइट करके कम से कम एटलीस्ट हायर स्टडी अपनी पूरी की, लेकिन हमारे तमाम लोग जो आसपास के झुग्गी झोपड़ी मुस्लिम में रहने वाले लोग हैं, उनके लिए एससी सर्टिफिकेट बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा रोजगार के लिए भी है, बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा उसकी जरूरत पड़ती है। तो क्या कोई ऐसी मुहिम अभी तक नहीं चली महाराष्ट्र में कि वाल्मीकि समाज का? नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ओके, हमको बहुत बहुत बोलते मगजमारी, बहुत वो करना पड़ता है उसके लिए, थ्रू 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 प्रोसीजर है, उसके लिए जाना पड़ता है, और अपर लेवल इज ब्राह्मण, नॉट टू से दिस, बट अपर लेवल इज ब्राह्मण और ओबीसी आ जाते हैं, जो इसको काफी लेवल पे स्टॉप कर देते हैं। मैंने मेरे पर्सनल व्यू से देखा हुआ है, जब मैं सर्टिफिकेट के लिए जाता था काफी चीजों के लिए, तो वो लोग इनडायरेक्टली देखते थे कि हाँ भैया ये कास्ट का है, तो जल्दी से नहीं देते थे, ये इतना सीखा हुआ है तो इसको फटाक से आगे जा सकता है। That is the another form of casteism, na? Yes. Thank you, Nitin. Thank you so much for giving the thanks time. A lot, Didi. Thanks a lot. Thanks a lot. आगे बढ़े और अपना ध्यान रखिए, Nitin. हाँ हाँ. अपना ध्यान रखिए, अपने स्वास्थ्य का. हाँ दीदी, हाँ. और जल्दी से perfect हो जाइए. मुझे बहुत दुख हुआ. नहीं, मैं हो जाऊँगा दीदी. काफी perfect हो गया हूँ. अभी दिल्ली आने वाला था, बट दिल्ली आने से कैंसिल हो गया। अभी बताइए, क्योंकि हमारे यहाँ कोरोना बहुत फैला हुआ है, बहुत ज्यादा। तीन बार बहन जी हमने टिकट बुक कराई। नहीं नहीं, अभी बताइए। 12 मार्च वो कैंसिल कराई, मेरा मन नहीं माना, इंट्यूशन बोलते हैं ना, सचमुच गॉड गिफ्ट है, मुझे इंट्यूशन है। 12 वो कैंसिल कराई, फिर ये इन्होंने निकाली 16 को, वो कैंसिल कराई, 20 का तो प्लेन की टिकट थी, वो भी कैंसिल कर दी मैंने। पहले कहा था भैया अलग ही रह ले जी, अभी आप अपना ध्यान रखिए और मेरे भाई का भी ध्यान रखिए। इसका ध्यान रखना ही है ना, एक ही तो है अपना, और है कौन, और दुनिया में है कौन? भी है भी, पापा, पापा तो मेरे लिए बहुत है, और है कौन? So much, पापा ने मुझे काफी चीज बताई है, कैसे इन्होंने अपलिफ्ट किया है, मैं बहुत
एसएससी तक लाइट नहीं दिए मैं पढ़ा हूँ नितिन जब ये आने वाले ना दिल्ली नितिन टाइम लेके बात करेंगे उस दिन नितिन के नहीं होंगे पापा होंगे सिर्फ मैं आपके अलग से बातचीत करूंगी एंड जल्दी आप मुझे टाइम देंगे ठीक है हाँ दी, हाँ दी, आपके पास फ्री हो अकेले में टाइम बिल्कुल बिल्कुल से बाल सफेद हुए हैं थैंक यू देखते हैं काम पे नहीं मालूम पड़ा 25 साल तक मैडम और एक बात है 25 साल तक मैंने ब्राह्मणों में काम किया लेकिन वो पहचान नहीं पाए 25 साल थाना में ये बहुत इम्पोर्टेंट जो कि रुद्र ब्राह्मण क्या कहते थे मालूम है ऊपर उत्सव निकले ना वो बनाई जगह उनको मैं 2 किलोमीटर से पहचान लेता उनकी सुगंध तो सर कोई कोई ऐसा नहीं पहचान पाएंगे आप अपने आप को इतना ढाल चुका आदमी नहीं पहचान जाए और देखो मैं कैसे अपडेट रहता संस्कृत भी जानता था बड़े खुश होते थे बताऊंगा आपको एक एक किस्से उनके मुझे नाम रख दिया बिल्ली ये बिल्ली है किधर से भी डालो कोई भी डालो सीधी गिरेगी इसको कोई पकड़ नहीं सकता बहुत से दुश्मन थे मेरे थाना में सर्विस करता था मैंने 25 साल वहां सर्विस की फिर उधर आके इनको भी इनका काम मतलब जात मालूम नहीं पड़ी कास्ट मालूम नहीं और जो कि थाना बड़ा एरिया है और एक बार तो मेरे को पीछे से देख लिया था एक ने बोला आपके साथ आपके जैसा बैठा था शर्ट भी आपके जैसा था आप किधर थे मेरे को डाउट आ गया कुछ तो गड़बड़ है मतलब मैं तो वहां था वर्तमान दूसरी तरफ बता दिया अरे साहब मैं उतरने वाला था आपके जैसा बिल्कुल सेम बैठा था शूज भी आपके जैसा पैंट भी आपके जैसा था मैं बोला हो जाती है आजकल तब से जाना छोड़ दिया वहां डुबाना भी पड़ता है कुछ कहीं कहीं क्योंकि मैं कुएं में काम करता था समुद्र में नहीं ये उन्होंने बहुत बड़ी बात बोली दीदी छुपाना बहुत ज्यादा जरूरी पड़ता है क्योंकि यहाँ पे सब लोगों को पता था और एक बोलते हैं पैसे का सोंग नहीं सोंग कोई नहीं कर सकता मैंने करके दिखाया सांप को पटाया उनको मतलब करके दिखाया आपको ताव मार रहा हूँ लेकिन मेरे पास पे किसी में पैसा नहीं है लेकिन आपको लगेगा बहुत पैसा है ये कैसा वो कैसा ये कैसा चलो ये नहीं चाहिए फिर नहीं खाना थैंक यू आपसे अलग से बात करूंगा मैं जरूर आऊंगा मैं दिल्ली हमेशा आता हूँ बिल्कुल एकदम मुलाकात करेंगे मैं पंत हॉस्पिटल में रुकता हूँ पंत हॉस्पिटल क्वार्टर से